केंद्र सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन राजस्थान सरकार बेटियों को पढ़ाने के प्रति कितनी गंभीर है इसका नजारा जयपुर में देखने को मिला। यहाँ पिछले 5 महीने से अनुसूचित जाति और जनजाति की छात्राओं को बांटने के लिए स्कूटी तो खरीद ली गई, लेकिन सरकार के पास इन स्कूटियों को छात्राओं में बांटने का वक्त ही नहीं है, लिहाजा ये 5 महीने से धूल फांक रही है। हमने बहुत प्रयास करके, क्योंकि ये आप जानते हो कि एसटी की जितनी भी बालिकाएं ऐसे क्षेत्र हैं जो अविकसित हैं, वहाँ के अब ऑनलाइन अप्लाई करने में उनको दिक्कत होती थी। हमने उदयपुर इनका ऑफिस है वहाँ पे 3 बार एक्सटेंड करा के और उनको ऑनलाइन में सबको हमने अप्लाई करवाया और वो अभी आई हैं स्कूटियाँ और उनको माडा का जो हॉस्टल है उसी में उतरवा दी, क्योंकि इतनी जगह और कहीं अवेलेबल नहीं होती है, वो किराए वगैरह भी नहीं देना पड़ता है। अब उनकी आरसी वगैरह नंबर प्लेट वगैरह की कार्रवाई पूरी हो गई है अभी कोई 10 दिन पहले ही, तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया के हाथों से उनका वितरण कराएं। तो दरअसल जयपुर से करीब 45 किलोमीटर दूर तुंगा गांव में छात्रावास में आदिवासी छात्राओं को बांटने के लिए स्कूटियां खरीदी गईं। स्कूटी तो खरीद ली गई लेकिन उन्हें बांटने के लिए सरकार को वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। स्कूटी कमरे में बंद पड़ी है और धूल खा रही है। सरकार के मुताबिक 65% नंबर लाने वाली आदिवासी लड़कियों को स्कूटी दी जाती है। छात्राओं ने 12वीं पास कर ली है लेकिन अब वो BA BSc के फाइनल में पहुंच गई हैं और उन्हें स्कूटी नहीं मिल पाई है। हमने 29 दिसंबर 2015 को फॉर्म अप्लाई किया था, उसके बाद आज तक हमें स्कूटी नहीं मिली। 12 लड़कियां थी उसमें 3 को मिल गई, 9 को नहीं मिली। हम वहाँ गए, हमारे फॉर्म निकाले, हमने आगे भेजा। हमारे साथ श्रीमान बेनी प्रसाद कटारिया जो जिला पार्षद सदस्य ये गए थे, हम इनको लेके गए थे। इनकी वजह से फिर वहाँ के कर्मचारियों ने हमारे फॉर्म निकाले आगे भेजे, वहाँ स्कूटी सेक्शन भी हो गई, स्कूटी आ भी गई लेकिन आज तक दे नहीं रहे। मैं BSc सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ उस टाइम पे, और हमें 2016 में मिलना था, 15 में फॉर्म भरे गए थे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे साथ 12 लड़कियां थे, हम जिनमें से 3 को मिल गई और हमें नहीं मिली। कॉलेज जाने में दिक्कत होती है तो स्कूटी मिल जाती तो हमें आसानी हो जाती जाने में। ये बात सरकार की लापरवाही को उजागर करती है कि बच्चियों के लिए आई स्कूटी धूल खा रही है और CM साहिबा के पास टाइम ही नहीं है। राजस्थान सरकार ने SC ST की छात्राओं को बांटने के लिए मार्च में स्कूटी खरीदी थी। इस तरह से आप देख सकते हैं कि सील लगाकर यहाँ पर स्कूटी रखा हुआ है। ये 45 किलोमीटर दूर जयपुर से तुंगा नाम की जगह है, वहां पर इस तरह से कमरों में भर भर के स्कूटियां रखी हुई है। 550 स्कूटी इस वक्त खरीदी गई थी लेकिन ये स्कूटी आज तक बांटी नहीं गई है। मार्च से लेकर अब तक स्कूटी धूल फांक रही है, खराब हो रही है, देखने वाला कोई नहीं है। ग्रामीण इलाके में जो स्कूल चलाते हैं प्राचार्य, वो इसकी देखभाल करते हैं लेकिन स्कूटी इसी तरह से रखी हुई है और कोई सुध लेने वाला नहीं है कि कब बांटा जाएगा, किसे बांटना है। जो जिला परिषद के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से वो चाहते हैं कि इस स्कूटी का वितरण करवाई जाए, लेकिन CM के पास से अभी वक्त नहीं मिल पाया है जिसकी वजह से ये स्कूटी धूल फांक रही है। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार।